as many as 50 people are reported dead and 100. From GOTV of the destruction really that was left by those unidentified gunmen who in fact opened fire on the Sri Lankan. What amounts to a massive security failure to protect this country's best known politician. The Pakistani government has lost control, seizing it to the Taliban. Pakistan ke dushmanon ko ye paigham dena chahunga with all humility ke galat fehmi mein mat rehna. हम तुम्हारा वजूद मिटा देंगे क्योंकि तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो और हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और टूट के मोहब्बत करते हैं। की दुआ मांगती हूँ, ये दुआ मांगा करो अल्लाह मेरी इज्जत दे, अल्लाह मेरी इज्जत दे, अल्लाह मेरी बहुत इज्जत दी है और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह मेरे मेरे बच्चों के सर फखर से ऊंचा किए, मेरा सर फखर से ऊंचा किए, कौम के रास्ते लग गए। इंशाल्लाह आप लोग सारे हिम्मत करें, प्लीज अपने जवानों के साथ दें। कभी भी मौका मिले तो मैं अपने वतन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। मुझे मेरे बेटों को, मेरे भाइयों को, मेरे वालदेन को, मेरे बच्चों को, सबको बहुत अच्छी जगह शहादत पे गया है, कौम के लिए, मुल्क के लिए, दुश्मन को उसने मार दिया है।